बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ बकर वाला बर्ज़न व्लॉग चैनल की जानिब से तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और उनके परिंदे भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गन्ने के सीज़न से अब हम बिल्कुल फारी हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम अपने बर्ड्स के बारे में और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भी बनाएंगे और तहकीकात भी करेंगे और रियल वीडियोस भी बनाएंगे। तो दोस्तों ये आप मेरी मादा देख सकते हैं, इसने दो अंडे के एक अंडा गलबन दिया है, उसके बाद इसने अंडे देना बंद कर दिया है। तो अगर आपकी मादा भी अंडे देना बंद कर चुकी है या फिर एक या दो अंडा दे के वो चार चार पाँच पाँच दिन अंडे नहीं देती, तो काफ़ी दोस्तों के इस टॉपिक पे मुझे मैसेज वगैरह आ रहे थे लेकिन मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सका, कोई ख़ास उनकी मालूमात ख़ास उनको कोई मालूमात फराहम नहीं कर पाया, इसलिए क्योंकि यार मैं थोड़ा मसरूफ़ था। लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो चुका हूँ। तो दोस्तों अभी ये मादा आप देख सकते हैं, ये फ़िज़िकली बिल्कुल फ़िट है। सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है वो यही होनी चाहिए कि आपका परिंदा फ़िट है या नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी मादा बिल्कुल फ़िट है। आज से 7 दिन पहले इसने एक अंडा दिया था, उसके बाद इसने अंडे देना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो मैंने इसकी तहकीक की, इसको कोई मसला नहीं है, नर के साथ भी लगी हुई है, खुराक भी सही तरीके से खा रही है, खुराक भी रूटीन के हिसाब से अपनी पूरी खुराक खा रही है। लेकिन एक दो अंडे इसने दिए हैं, उसके बाद इसने प्रॉपर अंडे देना बंद कर दिए है। वो क्यों कर दिया है, क्या वजह है और इसका इलाज क्या है, इसका इलाज मैं आप दोस्तों को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हमने रखे हुए हैं 2 अदद कैप्सूल। अभी फ़िश ऑयल मुझे मिल नहीं रहे थे क्योंकि काफ़ी अरसा काफ़ी टाइम हो गया है हमने जो है अपने परिंदों को ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करवाई कोई ख़ास तरीके से, तो इसलिए अभी मुझे ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही थी। तो ये मेरे पास इवियन के कैप्सूल पड़े थे, तो वो मैं अपनी मादा को अभी दे रहा हूँ। वो आपने किस तरीके से देने का तरीका हर बंदे का मुख्तलिफ हो सकता है। मेरा देने का तरीका यही है कि इसके अंदर अभी मैं सुई चुभूँगा, जैसे इसके अंदर सुई दाखिल करूँगा तो इसका एक छोटा सा सुराख बन जाएगा जिससे इसका जो मवाद है वो निकल आएगा और वो हम अपनी मादा के मुंह में डाल देंगे। तो वो मैं आपको डाल के भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरा ये देने का तरीका है, अभी आपका क्या तरीका हो सकता है, ये मुख्तलिफ तरीके से लोग देते रहते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तरीका यही है और एक कामयाब तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसने पी लिया है इसका जो पानी था, इसके अंदर जो मवाद था। तो दोस्तों अभी मैंने अपनी मादा को कैप्सूल दे दिया है, ठीक है। एक आपने ये अपने परिंदे को इस्तेमाल करवाना है, उसके बाद इंशाल्लाह एक और खुराक है वो भी मैं आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा, तो आप उसका भी इस्तेमाल कराइएगा। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और उसमें मैं आप दोस्तों को दिखा दूँगा। तो अब के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी मादा की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा। एक खुराक अभी मैंने इसको और देनी है, वो खुराक क्या है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में ऐड कर दें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के अंदर ऐड कर दें। तो अब के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।